आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने 1,86,00,000 की लागत से निर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक संजय पाठक ने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, उनके लिए जो करना है वो मैं करूंगा, मैं अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूंगा। फर्स्ट विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने बस स्टैंड के साथ विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया। इसी दौरान कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और पत्रकारों को सम्मानित किया। विधायक संजय पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य के सुख दुख सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, जिसका निर्वाह मैं आजीवन करूंगा। इस क्षेत्र की सेवा करने का ये जिम्मेदारी, जवाबदारी, सब कुछ लोगों ने मुझ पे डाला और मैं अपने तरफ से कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हूं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये अपन विजय राघवगढ़ के इस पवित्र पावन दिन में 15 अगस्त के दिन में बस स्टैंड का लोकार्पण करने और विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करने आज यहाँ आए हैं। विधायक संजय पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना काल में जब जनता संकट से जूझ रही थी तब कांग्रेस के नेता कहाँ छिपे थे। कांग्रेस के पास बड़बोलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरे पास जनता की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं सेवा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांसों तक जनता की सेवा करता रहूंगा। जितने अपने घरों के साथ लोगों की सेवा करने वाले विधायक हमारे परम पूज्य पिताजी बाबूजी सचिन पाठक जी रहे, मैं नहीं समझता कि मैंने कभी किसी को इस प्रकार का आदर और सम्मान के साथ कार्य करते देखा हूं। मैं उनको आज इस किले की प्राचीर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उनके श्री चरणों पर नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ पे छोड़ के गए थे। मैं उनकी आत्मा को कभी दुखित होने का अवसर नहीं दूंगा। इस क्षेत्र की सेवा में, इस क्षेत्र के लोगों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आज आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।